हेलो दोस्तों, सिटी टू एक्सप्लोर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं पीली कोठी मिठाई पुल। ये बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मार्केट लगती है और ये एक ड्राई फ्रूट, दालों की और बहुत तरह की और चीज़ों की खाने पीने की ये शॉप्स हैं जो हम आज आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे गोंद के लड्डू कैसे बनते हैं, कैसे मिक्सचर उसका तैयार होता है, बच्चों का दिमाग तेज़ करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स हेल्दी रहते हैं, और पोस्ट डिलीवरी लेडीज़ के लिए लड्डू में कौन सी ताकत की चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो चलिए मेरे साथ यानी सिटी टू एक्सप्लोर के साथ हमारी पीली कोठी के सफ़र पर। तो अंकल जी बताइए, गोंद के लड्डू कैसे बनाए जाएंगे? आज जो है हमने अच्छी गोंद का लड्डू बनाने के लिए जा रहे हैं, और गोंद का लड्डू में क्या क्या डलता है ये आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम डालेंगे गोंद, देखिए जो कीकर वाली गोंद आता है वो हम डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम खरबूजे का सीड, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ठंड के लिए ये पंपिंग सीड, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो है, और इससे बेहतर अगर स्वाद बनाने के लिए है तो ये हम डालेंगे बादाम, बड़ी वाली बादाम। और इसके लिए फिर हम डालेंगे बढ़िया सा काजू, ठीक है। उसके बाद इसमें और हमें चीजें डालना है, ऐसा नहीं कि इसमें ही कम हो गया, अब इसमें और भी चीज डालेंगे। ये देख लो, ये होता है पीपल। उसके बाद हम थोड़ा सा स्वाद के लिए हिसाब से डाल देंगे हम थोड़ा सा सौंफ, ये देखिए। और इसमें जो है और बेहतरीन एक चीज डालना है जो कि कमर उमर में दर्द, यहाँ देखो कमर में जो दर्द होता है, पैरों के हाथों में दर्द होता है, उसके लिए आता है हमारे पास ये स्पेशल, ये है कमरकस, देखिए। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें मखाना, और इसमें डाल देंगे किशमिश, इसमें डालेंगे मुनक्का। ये हमारे सबसे बेहतरीन लड्डू, मैंने गोंद का लड्डू का स्वाद वाली चीज हो गया। ये 300 रुपया पाव पड़ेगा, 1200 रुपया पर केजी। अंकल, कई बारी लोगों के बहुत प्रश्न होते हैं कि हमारा बच्चा उस तरह से दिमाग नहीं काम कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। तो अगर हम अपने बच्चे का दिमाग तेज करना चाहते हैं, उसको और अच्छा दिमाग और ताकत देना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या क्या ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं? तो उसके लिए मिलाएंगे हम सबसे पहले, ये देखो ये ओरिजिनल गुरबंदी होता है, ठीक है, ये वाली, ये सब बादाम नहीं, इधर भी दिखाइए, ये सब बादाम नहीं डालना है इसमें, इसमें डालना है असली गुरबंदी बादाम। ये बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, अगर जो बच्चे का दिमाग नहीं है, जो ये कर रहा है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा किशमिश, इसमें डालेंगे थोड़ा अखरोट, जो कि हमारे बच्चे में जैसा कि दौड़ते उड़ते में थोड़ा थकावट सा हो जाता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, ये डालेंगे। स्वाद के लिए थोड़ा सा काजू डालेंगे, ठीक है। और बच्चे का देखना पेट में बड़ा जोर ये होता है, गर्मी उत्पन्न होता है, उसके लिए हम डालेंगे पंपिंग सीड। उसके बाद जो है इसके लिए हम डालेंगे, ये देखो, खरबूज नहीं डालना है, एक तरबूज वाला डालना है, ठीक है। ये बच्चे का बहुत अच्छी दिमाग आता है, बहुत कुछ होता है। और थोड़ा सा जो है इसके पाचक के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा मात्रा में मुनक्का,
ठीक है। और बच्चे लोग जो है पेशाब वगैरह जो ज्यादा पेशाब के दिक्कतें होता है उसके लिए हम डालेंगे दो चार छुआड़े। अब इसको क्या करना है, सुबह उठ के इसको जो है कूट लेना है, ठीक है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के सुबह उठ के जब दूध, एक पाव दूध लेना है, ज्यादा नहीं, एक पाव दूध लेना है, दूध लेके उसमें डाल दो इसको और इतना गर्म कर दो कि वो एकदम राबड़ी की तरह हो जाए और उसको जो है इसको उसे दो सेवन करने दो। वो 15 दिन के अंदर में उसको फायदापन दिखाना चालू हो जाएगा। ये जो है मात्रा आपका 800 रुपये किलो आएगा। आज दोस्तों पोस्ट डिलीवरी हम अंकल से पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लेडीज को ताकत के लिए दे सकते हैं, स्पेशली जो लड्डू में हम डाल सकते हैं। चलिए सुनते हैं अंकल से कि क्या क्या चीज़ें सारे लोग ज़्यादातर खरीदते हैं। जब हमारे घरों में डिलीवरी होता है उसके लिए लड्डू बनाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। उस माँ का लड्डू बना के देना बहुत ज़रूरी पड़ता है। उससे क्या होता है, ताकत और शक्ति और सब कुछ होता है। जब तक उसके शरीर में बेनिफिट नहीं आएगा तो बच्चे को भी तकलीफ परेशानी होगा। उसके लिए आज हम लड्डू बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम डालेंगे छुहारा, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें किशमिश, थोड़ा थोड़ा करके डाल के दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद डालेंगे हम बादाम, उसके बाद डालेंगे मखाना, उसके बाद डालेंगे हम मुनक्का, उसके बाद डालेंगे हम अखरोट, जो हमारे शक्ति कैल्शियम में बहुत कामयाब चीज होता है। उसके बाद हम डालेंगे दो चार अंजीर, ठीक है। अब ये तो हो गया ड्राई फ्रूट का आइटम, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें खरबूजे का नींग। उसके बाद हम जो है, ये तो ये आइटम हो गया माने हमारे ड्राई फ्रूट का। अब इसमें जो है हम जड़ी बूटी का आइटम डालेंगे। इसमें डालेंगे हम सौंठ, उसके बाद पिपला मूल, उसके बाद गोंद, पिपल है ये, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा अश्वगंधा, उसके बाद डालेंगे सतावर, उसके बाद डालेंगे हम ये देखो ये कमरकस, उसके बाद डालेंगे हम ये पिपला मूल। ये सबसे बहुत फायदेमंद चीज है। इसमें डालेंगे हम चिरौंजी, ये जो है हमारे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पिस्ता, ये हमारे जो है जो गर्भवती जो माने बच्चा जिसको डिलीवरी वाले है उनके लिए इस लड्डू को बना के दो। इतना फायदा होगा कि हर एक चीज़ में, जैसा कि ये दूध का लक्कर हो गया, ये सुगंधा ताकत के लिए हो गया, ठीक है, ये कमर कस के लिए, कमर दर्द के लिए हो गया, ये गोंद बनाने के लिए हो गया। इतना इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, हर एक चीज़ इसमें डल गया है। उसके अंदर में इतना ताकत हो जाएगा, खून भी साफ करेगा और ताकत भी मिलेगा इतना कि वो मैंने बोलेगा कि हाँ हमारे शरीर में कुछ जान है। ये हमारे बन गया जच्चे बच्चे का आइटम। इसको लड्डू कूट लिया, ये जो गोंद जो डाले है गोंद को भून लेगा, ये लावे की तरह हो जाएगा। सबको कूट के उसके बाद जो है घी दे के इसको जो है लड्डू बना लो, आपको 1400 रुपये किलो। जी जो आजकल यंग लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, वो प्रोटीन शेक्स लेते हैं और मार्केट के पाउडर्स वगैरह लेते हैं, तो उनकी मॉर्निंग डाइट के लिए कोई ऐसे ड्रिंक या कोई ऐसा ड्राई फ्रूट्स वगैरह बताइए जिससे उनको नेचुरली फायदा मिले, ना कि किसी पाउडर ड्रिंक से। आइए हम जिम वाले के लिए बताते हैं। जिम वाले तो ऐसे बहुत सारे पाउडर वगैरह खाता है, उसके लिए कोई फायदा होता नहीं। आज जो है अपने हाथ से चीज बनाओ और खाओ बहुत। अगर
एक काम करो, एक गिलास अगर पानी लेते हो उसमें अगर चीनी डाल देते हो, अगर नहीं हिलाने से वो मीठा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें मेहनत थोड़ा करने पड़ेगा। और जब मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मीठा होता ही है। तो आज वही चीज हम दिखा रहे हैं जिम वाले के लिए, अपना हाथों से पाउडर बना के खाओ, बहुत मस्त रहेगा और बहुत ताकतवर चीज होता है। देखो उसके लिए डाइट होता है सुबह का नाश्ता, मॉर्निंग फास्ट जिसको बोला जाता है। इसमें देखो ये डलेगा सनफ्लावर, पंपिंग सीड, खरबूजे सीड, इसमें किशमिश, बादाम, एक काजू, ये अखरोट, ये देखो ये पाचक के लिए होता है मुनक्का, अब इसमें जो है फ्रूट का हिसाब किताब आ गया, फ्रूट का चीज डालेंगे। ये देखो ये लाल किरणबेरी, रेड किरणबेरी, ये हमारे मिक्स ड्राई फ्रूट, और देखो सबको यहाँ तो बोलता है कि ये डालता हूँ किरणबेरी, लेकिन ये किरणबेरी नहीं है, ये चेरी किरणबेरी बोला जाता है, लेकिन ये चेरी है, रेड चेरी, असली किरणबेरी ये है। असली किरणबेरी का पहचान यही होता है, देखिए ये कोई नहीं डालता है लेकिन हम इसको डालते हैं, ठीक है। इसमें डालेंगे हम अंजीर, ये हमारे मिक्स ड्राई फ्रूट हो गया। अब इसको लेना कैसे है, सुबह जो है 50 से 60 ग्राम लेना है, और दूध में दे के मिक्सी जो होता है उसमें डाल दो, और उसको पीस के उसी के साथ में जूस बना के इसको पियो। ये हमारे पास बाजारों में लेने जाओगे, ये क्वालिटी अगर बाजारों में ले जाओगे 1000 रुपया है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 700 रुपया है, 700 रुपया केजी। आजकल अंकल काफी सारे लोग काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे खड़े रहते हैं या अपनी सीट्स पे बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो नेचुरल थकावट इंसान को महसूस होने लगती है। और कई बार लोग अपना जैसे जिम करके आते हैं तो बॉडी बिल्कुल फटीग हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए हम कौन सी चीजें ले सकते हैं? कि हमारे जो है जिम जाते जाने के बाद थकावन सो होता है, या अगर हम कोई काम करने जाते हैं थकावन होता है, या हमारे माने बॉडी में बहुत कमजोर है, कमजोरी के लिए है, उसके लिए आज जड़ी बूटी के लिए एक अच्छी चीज लाया हूँ, जो कि इतना 15 दिन कोर्स करो, बहुत ताकतवर चीज होगा शरीर में, इतना बेनिफिट, इतना हल्का लगेगा शरीर कि बोलोगे नहीं हम कुछ पाया हूँ। ये देखो सबसे पहले इसमें कोच का बीज डलेगा, इसमें एक अश्वगंधा डलेगा, एक सतावर डलेगा, और एक सफेद मूसली डलेगा। ये हमारे जड़ी बूटी का आइटम है। इस जड़ी बूटी को लो 250 ग्राम अगर लेते हो तो 350 रुपये किलो आएगा, ठीक है। और ये जो है सिर्फ रोज का अगर जोड़ा जाए तो 10 से 15 रुपये खर्चा आएगा। और इसको खाओ, इसको खाने का तरीका है, इसको ले जाओ कूटो पीसो, पीस के पाउडर बनाओ, और इसको जो है जैसे नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद 1 चम्मच, और रात को सोना खाना खाने के बाद 1 चम्मच, उसके बाद देखो इसका क्या ताकत है, 15 दिन के बाद हमें बताओ। और इसके अलावा मेरा पास जैसा मोटापन है तो उसके चर्बी जैसा है, चर्बी हमें गलाना है, उसके लिए भी एक चीज़ और अच्छी चीज़ है मेरे पास, इसका नाम है ग्रीन कॉफी, या ऐसे ना है आप मैंने जो है इसमें सर्च मार के देखना गूगल पे या किसी पे सर्च मार के देखना, ये बहुत फायदेमंद होता है चर्बी गलाने में बहुत, और मोटापन कम करने का बहुत शक्तिशाली चीज़ है। ये ऐसा चीज़ है कि हम बहुत अच्छी से सर्च मार के इसको ढूंढ के लाया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मोटापा घटाने का बहुत बेहतर चीज़ है। ये मात्र 120 रुपये के 100 ग्राम है।
अंकल एक और चीज आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी कि चाय का मसाला मार्केट में अगर खरीदने जाते हैं तो हर कंपनी के अलग अलग मसाले होते हैं और उनके मसालों में टेस्ट नहीं होता, फ्लेवर नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा सीक्रेट मसाला बताइए जो चाय को एकदम मस्त बना दे और चाय पीते ही सारे लोग बोले कि भाई इनके घर की चाय तो अव्वल नंबर थी, तो वो सीक्रेट मसाला भी आज आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आज एक ऐसा सीक्रेट मसाला आपको बना कर देंगे चाय का मसाला जो कि पीते ही वाह वाह करोगे। ये देखिए इसमें डालेंगे दालचीनी, उसके बाद डालेंगे लौंग, उसके बाद डालेंगे छोटी इलायची, उसके बाद इसमें डलेगा स्टार फूल, सबसे बढ़िया क्वालिटी होता है स्टार फूल, उसके बाद ये आ गया सौंफ, उसके बाद आ गया पीपल, ये जो है ना अगर सर्दी खांसी भी रहता है उसमें भी काम आता है, ठीक है। उसके बाद दो चार दाना डालेंगे, चार दाना डालेंगे बड़ी इलायची, ठीक है, थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा खुशबू के लिए डालेंगे गुलाब फूल, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा खसखस, ठीक है। ये हो गया मेरा चाय मसाला, सौंठ, ये हो गया मेरा चाय मसाला। इस चाय मसाला ना पी के उसके बाद बोलना कि हाँ क्या चीज चाय है, और इसको करना क्या है, जैसा चाय हो गया, चाय बन गया, बनने के बाद जो है जब उतारने लगोगे ना थोड़ा सा इसको पाउडर बना के एक चम्मच उसमें डाल देना है, उसके बाद देखो चाय का क्या स्वाद मिलता है। ये पड़ेगा 300 रुपया पाव। तो ये था दोस्तों हमारा पीली कोठी का आपके लिए एक नॉलेजेबल ब्लॉग सिटी टू एक्सप्लोर के साथ। ये आप खाली ड्राई फ्रूट्स ही नहीं देखेंगे बल्कि आपको इससे नॉलेज भी मिलेगी कि कौन सा ड्राई फ्रूट आपको किस टाइम पे राइटली यूज करना है। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।